all right, let's get to the very latest. as far as prashant kishore, polls strategist's own strategy vis-à-vis -vis the congress party is concerned, he's spoken exclusively to our sister channel, Tak after declining the congress's offer to join the party. in an exclusive conversation, he gives his reasons for not joining the grand old party. prashant kishore says he doubts about the empowered action group made by the congress president that deals with political challenges. Ahead of the 2024 Lok Sabha elections, he also mentioned that Rahul and Priyanka Gandhi's names were not there in his leadership plan. Rahul ji मीटिंग में एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार से ज्यादा समय थे hmm. जब बाद में कमिटी बना दी गई सीनियर लीडर्स की तो उसमें वो नहीं थे उसकी उनकी जरूरत नहीं थी और ये सहमति जब हम लोग मुझे दिन एकदम याद नहीं है जिस दिन ये कमेटी बनाई गई थी उस दिन ये चर्चा हुई थी कि क्या राहुल जी को उस कमेटी में रहना चाहिए या नहीं ये जी जी आपने और, बनाया है नहीं ये जी हमने नहीं बनाया ये जी तो आगे की परिकल्पना है की परिकल। ये जो कमेटी बनाई गई जिसकी इतनी चर्चा हो रही है उस कमेटी में राहुल जी रहे या न रहे ये सर्वसम्मति से उस दिन टेबल पे बनना चाहते थे उसके सदस्य बनकर रहने के लिए तैयार किस चीज के जो सोनिया गांधी ने कमेटी बनाई है नहीं नहीं अभी उन्होंने जो कमेटी बनाने आप इस बात को पहले गंभीरता से समझिए एक समाधान एक उनका जो अभी उनकी जो स्थिति है उसके संदर्भ में चर्चा हुई उसके लिए समाधान सुझाए गए उस समाधान पे ये कमेटी ने बैठकर उसका गहन अध्ययन करके ये रिपोर्ट दी कि भाई ज्यादातर बातें ये जो कह रहे हैं वो की जा सकती है और करें तो उससे साथ फायदा साथ है एक मिनट राहुल गांधी को लेकर आपका क्या रुख था राहुल गांधी को बड़े पोजीशन में रखने के लिए तैयार थे, थे नहीं थे आप उनको अध्यक्ष बनाना, तो, तो, थे नहीं तो, बनाना तो, तो उल्टी गंगा बाहर है हम कौन है राहुल गांधी को तय करने वाले छह सौ स्लाइड के प्रेजेंटेशन बिल्कुल ये तो आपकी गलत बात है मैं तो कंप्यूटर यूज नहीं करता मन के विचार के हिसाब से राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा कौन बेहतर लीड कर कांग्रेस को या गांधी परिवार के बाहर जो लीडरशिप के लिए जो फॉर्मूला दिया गया उसमें ये दोनों ही नाम नहीं

लेकिन छोड़ दिया नहीं छोड़ नहीं दिया जो ये उनका डिस्क्रिप्शन है कि वो मेरी बात सुने न सुने मैं मुझे जो बात उनको बतानी थी जितनी उन्होंने सही समझी वो उस बात को सुना जैसे उनका ये डिस्क्रिप्शन है कि वो मेरी बात मानकर मुझे अपने साथ शामिल करें या ना करें वैसे मेरा ये डिस्क्रिप्शन है कि मैं उनकी पार्टी ज्वाइन या ना करूँ नहीं ऐसा आपको ऐसा लगता है बात ऐसी नहीं है देखिए दो दो पहलू हैं इस पूरे विषय के एक कि कांग्रेस पार्टी में 2014 के बाद शायद पहली बार इतने बड़े स्तर पे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उन्होंने अपनी स्थिति और आगे की संभावनाओं और आगे के रास्ते पे चर्चा करी और उनके जो लीडर्स उनकी जो टॉप लीडरशिप है सब उसमें बैठे उसमें जहाँ तक मीडिया ने भी जो रिपोर्ट किया है मैं जो बात हुई हो तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ लेकिन ये बात तो सही है कि ज़्यादातर बातों में सहमति बनी आगे के रास्ते क्या होने चाहिए उस पर भी सहमति है उसको करने के तरीके में भी जहां तक सवाल है वो खुद से कर सकते हैं उसके लिए किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं आपको है आपको पावर चाहिए चाहिए जहां रहते हैं आपको पावर उसके बिना पीके का मन नहीं लगता है वो बिल्कुल ठीक बात है क्यों भरोसा करें आप पे आप तो बीजेपी के एजेंट है बिल्कुल ठीक बात है तो मैंने मैंने कहा कहा उन्होंने ऑफर किया मैंने खुद से कह दिया कि भाई मैं नहीं आऊंगा तो पावर की अगर बात नहीं हुआ था आप नहीं शक की बात नहीं है जो व्यवस्था देखिए जहाँ तक जो सुझाव है उस पर उनकी सहमति है जो करना है उनको उस पर उनकी सहमति है दो सवाल थे कि उस काम को करने के का जो तरीका है उस काम को जो कर को करना है उसको मेरे साथ करना है या उनको खुद से करना है कांग्रेस पार्टी में इतने बड़े लीडर्स हैं इतनी उनकी क्षमता खुद की है कि उनको किसी पीके की ज़रूरत नहीं है वो इस बात को इस इन चीज़ों को खुद से कर सकते हैं और उन्होंने मेरे से भी पूछा तो मैंने उनको यही कहा कि साहब बातचीत हो गई और आप समझते हैं कि ये बात करने से कांग्रेस का फायदा है तो आप बेझिझक राहुल गांधी को हटा के प्रियंका वाड्रा गांधी को ऐसा, ऐसा दो, मैंने और... कहा नहीं ये तो आप सूत्र के हवाले से ऐसा चलाते हैं ऐसी कोई बात हुई नहीं है कल अब आप बहला रहे हैं सब किसको बहला यही चाह रहे थे आप अब मैं चाह रहा था ये जानकारी आपको कैसे है ये तमाम कांग्रेस के कमरे में कमरे में तो आप थे बता रहे कौन से कई कांग्रेस के जो लीडर हैं कल पी चिदाम साहब

जिसमें मैंने उनको यह दिखाया कि मैं ऐसी कोई बात नहीं कहने वाला हूं इस इंटरव्यू इस प्रेजेंटेशन में जो कि आपने खुद से पहले नहीं कही है तो 1980 से लेकर अभी तक जितनी बातें कांग्रेस की लीडरशिप ने कांग्रेस के संदर्भ में कांग्रेस में रिफॉर्म के संदर्भ में कांग्रेस में सुधार के संबंध में जो बातें कही हैं उसी बात को फिर से मैंने दिखाया और बिल्कुल जो कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं अगर किसी ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं कह रहे तो मैं उससे सहमत हूँ Conversation with Prashant Kishore for the first time ever since he declined to join the Congress party.